हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सेल में नेक्स्ट पार्ट, दैट इज न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट ऑफ सेल है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो इसके अगर हम शेप की बात करें तो ये शेप तो और नंबर में बहुत वेरी कर सकता है जैसे। और इसको सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने 1831 में सबसे फर्स्ट न्यूक्लियस को देखा हुआ था। तो ऑन दी बेसिस ऑफ, अगर हम बात करें इसके नंबर के बेसिस पर, तो ऐसी सेल जो कि केवल एक ही न्यूक्लियस कैरी करती है अपने सेल में, उसको हम बोलते हैं मोनोकैरियोटिक। मोस्ट ऑफ सेल जनरली होती है वो सिंगल न्यूक्लियस कैरी करती है, बट अगर हम पैरामीशियम में अगर बात करें तो पैरामीशियम की जो सेल है वो बाई न्यूक्लिएट होती है, वो अपने में दो न्यूक्लियस कैरी कर सकती है। कुछ ऐसी भी सेल होती हैं जो इनिशियली तो उनमें न्यूक्लियस हो सकता है बाद में, बट वो ई न्यूक्लिएट की कैटेगरी में आती हैं, मतलब उनमें न्यूक्लियस नहीं बचता है, जैसे कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स में। नाउ जबकि अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने के कारण उसके हम डीएनए कंटेंट को हम यहां बोल देते हैं न्यूक्लियोइड, जो उसका जेनेटिक मटेरियल रखता है जो है, और उसको हम जीनोफोर भी बोलते हैं। अब अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है, और कुछ ऐसे भी सेल्स हैं यहाँ, मतलब अगर हम स्ट्रक्चर में बात करें तो कुछ ऐसी सेल्स हैं जैसे कि अगर हम बात करें जो कि अपने में मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर भी कैरी करती हैं, जो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वो है जैसे कि ओपेलेना, मल्टी न्यूक्लिएट सेल है। सो स्ट्रक्चर में हम आते हैं इसमें, जो कि स्फेरिकल होता है, ओवल शेप भी होते हैं, और जनरली जो है न्यूक्लियस जो है वो चार कंपोनेंट से मिलके बनता है। पहला अगर हम बोले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियोलस, तीसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है कि क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंटेड है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर जो कवर्ड करती है न्यूक्लियोप्लाज्म को, और जो सिंगल आपको थ्रेड फॉर्म में दिख रहा है दैट इज यू क्रोमेटिन, और जहां पर डार्क स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है उसी क्रोमेटिन का, दैट इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। जो यू क्रोमेटिन होते हैं वो एक्टिव फॉर्म ऑफ डीएनए होता है, और ये क्रोमेटिन मटेरियल ही है, उसी के ये दो पार्ट हैं यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। लिक्विड सब्सटेंस न्यूक्लियोप्लाज्म है, और जो सबसे जो यहाँ पर एक्टिव रीजन जो इसमें है वो अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोलस, जहां कंटीन्यूअस जो है राइबोसोम को सिंथेसाइज करने के लिए आरआरएनए का सिंथेसिस होता रहता है, तो इसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी बोलते हैं। अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हमेशा मेम्ब्रेन बायलेयर्ड होती है, और इसको हम न्यूक्लियोलिमा भी बोलते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को और जो सब्सटेंस है उनके एक्सचेंज में ये मदद भी करती है, और इसको बैरियर भी बनाती है। तो न्यूक्लियर पोर से वो सब्सटेंसेस जो हैं वो आसानी से आ जा सकते हैं। अगर हम न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था फोंटाना साइंटिस्ट ने 1781 ईयर्स में, यहाँ पर 1781 में, और ये मोस्ट प्रोमिनेंट होता है नॉन डिवाइडिंग सेल्स में। देन अगर हम बात करें तो ये स्टोर हाउस ऑफ आरएनए भी है, और सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम करने में इसी वजह से इसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी बोलते हैं। सो न्यूक्लियोलस के बारे में बात हो गया। अब अगर हम बात करें तो जो अगला जो है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड सब्सटेंस है, इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट होता है और सेमी फ्लूइड नेचर का होता है, ये अपने में क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस को कैरी करता है, और इस पूरे के पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है वो अपने में कैरी करता है ज्यादा अमाउंट में वाटर, शुगर,
शुगर आप जानते हैं जो डीएनए जिनसे मेड अप होता है, डीएनए में प्रेजेंट जैसे कि शुगर है डीऑक्सी राइबोज शुगर, और राइबोज शुगर जिससे आरएनए सिंथेसाइज होता है, और डीऑक्सी राइबोज से डीएनए का सिंथेसिस होता है, और कई सारे मिनरल्स इसमें अवेलेबल होते हैं इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में, और एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो कि डीएनए का सिंथेसिस करने में मदद करते हैं, आरएनए का सिंथेसिस करने में मदद करते हैं, ऐसे एंजाइम भी न्यूक्लियोप्लाज्म में अवेलेबल होते हैं। सो देन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जैसे कि वो है क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल को सबसे पहले रिपोर्ट किया था डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में। देन ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये डीएनए से मेड ऑफ होता है, और इसी डीएनए जो एक्चुअल में है वो अपने ऊपर जीन्स को कैरी करता है। जीन्स ही डीएनए के ऊपर अरेंज होते हैं, और वो सीक्वेंस में हो सकते हैं, और जो जीन्स होते हैं वही एक्सप्रेस भी होते हैं डीएनए के फॉर्म से। सो इसीलिए जो क्रोमेटिन मटेरियल है या जो डीएनए है वो एक्सप्रेशनल यूनिट भी बन जाती है। सो चेंज इन डीएनए, अगर डीएनए में कोई भी सीक्वेंस में अगर बदलाव होता है तो हम उसी को वेरिएशंस बोलते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से वेरी कराता है। देन जो यहाँ जो डीएनए यहाँ पर अवेलेबल होता है वो जनरली कंडेंस्ड, अगर क्रोमेटिन की बात करें, अगर क्रोमेटिन कंडेंस्ड हो जाता है तो वही बदल जाता है क्रोमोजोम में। पहले वो थ्रेड फॉर्म में होगा और फिर वो बदल जाएगा क्रोमोजोम में। क्रोमोजोम का जो नाम है एक्चुअल में उसके मीनिंग से है, क्रोमा मीन्स कलर और सोमा मीन्स बॉडी, सो कलर्ड बॉडी। अब अगर हम बात करें कि क्रोमोजोम कैसा दिखाई देगा, क्रोमोजोम एक्चुअल में अपने ऊपर डीएनए को कैरी करके, डीएनए तो है ही उसपे और साथ में उसमें है हिस्टोन प्रोटीन। सो डीएनए प्लस प्रोटीन जो रेड कलर से रिप्रेजेंटेड है वो प्रोटीन कौन सा है, हिस्टोन। ये आपको क्रोमेटिन दिखाई दे रहा है जो डीएनए के फॉर्म है, तो ये दोनों मिलके बन जाते हैं न्यूक्लियो, मतलब न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट हो गया और प्रोटीन हो गया हिस्टोन, तो इसलिए हम इस कंपोनेंट को न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोल सकते हैं। क्रोमोजोम जो होते हैं वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, और यही वेहिकल ऑफ हेरिडिटी भी है, और क्रोमोजोम के फॉर्म में ही एक्चुअल में डीएनए जो है वो डिवाइड भी होता है। क्रोमोसोम जब डिवाइड होते हैं तो सेल के डिवीजन में बड़ा इजी हो जाता है, इसी बेसिस पर दो प्रोसेस बनती हैं, माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेसेस परफॉर्म हो सकती हैं, तो क्रोमोसोम इजी वे में आसानी से सेपरेट हो सकते हैं। सो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें क्रोमोसोम में, तो क्रोमोसोम में जो आर्म आपको दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड, और बीच के सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सो जो क्रोमोसोम है, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो ये सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियस में दिखाई देते हैं, और इनमें क्वाइलिंग होती है, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए होता है क्रोमोसोम का, और डीएनए ही एक्चुअल में जो है क्वाइल होता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। सो इसी वजह से क्रोमोसोम बन जाते हैं। अगर क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो ये रॉड शेप हो सकते हैं, थ्रेड शेप हो सकता है स्ट्रक्चर इसका, और ये जेनेटिक मटेरियल के जैसे बिहेव भी करता है। और क्रोमोसोम अगर आपसे पूछा जाता है तो ये मेड ऑफ डीएनए होते हैं और डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं, इसीलिए ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरी कराते हैं। तो जब ये डीएनए जब ये डिवाइड जब ये क्रोमोसोम के फॉर्म में जब ये डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम को पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पर हम इन क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर सकते हैं, जो कि बेसिकली पांच टाइप में आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये टिपिकल क्रोमोसोम तो यहाँ रिप्रेजेंटेड है ही, कुछ होते हैं मेटासेंट्रिक जिनको हम वी शेप क्रोमोसोम बोलते हैं, इनका सेंट्रोमियर देखिए इस पोजीशन में होगा कि ये वी शेप दिखाई देगा। सब मेटासेंट्रिक इसको हम एल शेप बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक जो कि जे शेप होगा, टीलोसेंट्रिक जिसको हम आई शेप्ड भी बोलते हैं, ए सेंट्रिक जिसका कोई सेंटर नहीं होगा। तो इस तरीके से क्रोमोसोम हमारे लिए दिखाई देते हैं। और अगर हम बात करें फंक्शंस की, बात करें अगर पूरे न्यूक्लियस की, तो ये कंट्रोल करता है सारी सेलुलर एक्टिविटीज का, कंट्रोल सेंटर बन जाता है ये। और क्रोमोसोम अपने में हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करके रखते हैं सेल की, और ये ट्रांसफर होते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ही ये ट्रांसफर होते हैं। देन
ये बड़ा ही क्रूशियल और सेंट्रल रोल प्ले करते हैं सेलुलर रिप्रोडक्शन में। तो ये इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। सेल को अगर डिवाइड होना है तो विदाउट न्यूक्लियस के डिवीजन और विदाउट क्रोमोसोम के डिवीजन के बगैर सेल डिवाइड नहीं हो सकती है। तो ऐसे ये इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, और इस तरीके से हम अगली क्लास में या अगले लेक्चर्स में हम सेल के और कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।